तो आज है मेरे पास जेटी का फास्ट वे और नेट प्लस वाले जो यूज करते हैं उनका मोडम है। ये मोडम जेटी का ही है, एयरटेल एक्स स्ट्रीम में भी यही मोडम यूज होता है, पर कॉन्फ़िगरेशन दोनों की अलग अलग है। सारी लाइटें सेम ही है, पॉन देख लो, लॉस देख लो, इंटरनेट लैंड 1 से 4, फोन वाईफाई, डुअल बैंड है ये, और काफ़ी सस्ते में आपका यह जाता है। जेटी कंपनी ने इसे डिजाइन किया है, ये फास्ट वे और नेट प्लस वाले यूज करते हैं। एयरटेल एक्स स्ट्रीम वाले भी सेम ही यूज करते हैं, पर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। बैक साइड में देख सकते हो इसके एक फ़ोन का पोर्ट दिया हुआ है। फ़ोन इससे चलता है कि नहीं ये तो अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता। 4 लैन पोर्टें हैं, रीसेट का बटन है, पावर और ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। 2 एंटीना है, डुअल बैंड का चुकी है मोडम है। इसके बैक साइड आप देख सकते हो कोई भी क्रीडेंशियल नहीं दिया हुआ कि लॉगिन आप इसे कैसे करोगे। ये पैच कॉर्ड मैं इसमें इंसर्ट कर दिया हूँ, आसानी से इंसर्ट हो जाएगा, बैक साइड में दिया हुआ है। इसका बाय डिफॉल्ट यूजर और पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड होता है, यूजर यूजर, एडमिन भी यूजर और पासवर्ड भी यूजर। लेकिन इस यूजर नेम पासवर्ड से सिर्फ आप वाईफाई की सेटिंग ही कर पाओगे। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या है और इंटरनेट की सेटिंग कैसे करेंगे। मैंने इसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है और यह मेरा पीसी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो देख सकते हो अपने स्क्रीन पर आ चुका हूँ मैं। नेटवर्क बन चुका है, नेटवर्क 154। बाई डिफ़ॉल्ट इसका लॉग इन आई है 192.168.1.1। ये लॉग इन कर दो, बाई डिफ़ॉल्ट है ये। यूजर नेम पासवर्ड इसके दो हैं, एक तो आप यूजर और यूजर भरोगे, USER और USER, यह भर के लॉग इन करो तो इसमें इंटरनेट की सेटिंग आपकी नहीं हो पाएगी। वैन कनेक्शन में देख सकते हो नो डाटा नाउ, इसमें आप कुछ सेटिंग नहीं कर सकते। आप इसमें सिर्फ कर सकते हो वाईफाई की सेटिंग, डब्लू लैन जो डिवाइसेस हैं वहाँ से डब्लू लैन सेटिंग पे जाकर ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। वैसे SSID कॉन्फ़िगरेशन 5 GHz, 2 GHz डुअल बैंड का, लेकिन इंटरनेट की सेटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम लॉग आउट हो जाते हैं। और इसका यूजर नेम पासवर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जेटी नेट प्लस प्लस फास्टवे का जो यूजर नेम होता है वो एडमिन और पासवर्ड होता है WEB@0063। तो यूजर नेम में एडमिन भर देते हैं और पासवर्ड में मैं इसे कॉपी ही कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। W बड़ा है ये ध्यान रहे, ये पता नहीं होता किसी को, ये कंपनी वालों को ही पता होता है। तो देखिए अब लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से हम करेंगे इंटरनेट की सेटिंग, और वॉइस इसमें मुश्किल से ही चल पाएगा क्योंकि वॉइस का ये मेरे ख्याल से एक्नॉलेज नहीं कर पाता। तो देखते हैं अगर वॉइस चल जाए तो वो भी बढ़िया। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंटरनेट पर और वैन पर जाएंगे और कनेक्शन नेम हम करते हैं, यहाँ से भर देते हैं BSNL फाइबर है ये, और राउटिंग की जगह राउटिंग ही रहने देते हैं। सर्विस में इंटरनेट है, MTU 1492 रहते हैं, PPPoE कनेक्शन ही है अपना। इसमें यूजर नेम और पासवर्ड भरा जाएगा। यूजर नेम है हमारा किसी गोयल, एक ट्रेडिंग कंपनी है उसके नाम से लगा है ये। तो इसका यूजर नेम है geo1692.295.212.NID@FTTH.BSNL.in, और पासवर्ड में बाय डिफॉल्ट पासवर्ड ही होता है। यहाँ से आप एक वी लाइन जो है वो इसे ऑन कर दोगे, और वी लाइन इसका ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करेगा। 290 है ये, 802.1P जो इसे ऑन करके 7 कर दो आप। तो ये है आपका इंटरनेट का सेटिंग, कनेक्शन BSNL फाइबर 1492 की जगह 1460 कर दो। पिंग होने में काफ़ी कम टाइम लगता है इसमें। तो इंटरनेट की सेटिंग होंगे, इसे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कर चुका हूँ मैं। यहाँ से आप फिर क्या करोगे, कनेक्शन ऐड भी कर सकते हो, क्रिएट न्यू फॉर्म में करके यहाँ से BSNL फाइबर वॉइस की कर सकते हो। राउटिंग राउटिंग रहने दीजिए, इंटरनेट की जगह VoIP कर देते हैं, MTU 1460 कर देते हैं, PPPoE की जगह IP रखेंगे हम, IP वर्जन 4, DHCP रखेंगे, और VLAN यहाँ पे रख देंगे हम 1830।
ऐसे इस केस में ये जो मॉडम है इसमें वॉइस मुश्किल से ही चल पाता है, अप्लाई कर देते हैं फिर भी कोशिश कर लेते हैं। एक यूजर का कमेंट आया था मेरे पिछले वीडियो में कि वॉइस इस पर चल नहीं रही, तो मैं भी उसको बोला कि वॉइस इस पर नहीं चल पाती। तो इंटरनेट और वॉइस की सेटिंग हो चुकी है, आप यहाँ से देख सकते हो। वैन कॉन्फ़िगरेशन में हम चले जाते हैं, एक BSNL फाइबर है, एक फाइबर वॉइस का है, और भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपको ये डिलीट करके दोबारा करना है। तो हम चलते हैं होम पेज पर और वाईफाई की सेटिंग करते हैं। WLAN सेटिंग में डुअल बैंड का ये 2.4 GHz 5 GHz दोनों को ऑन किया हुआ है। SSID कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं हम, दो ही हैं अपने जो ऑन है, बस उसी को उसी की सेटिंग करनी है हमने। आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऑन है 2.4 GHz, मैं एक ही ऑन रखता हूँ, और 5 GHz 2.4 GHz का नाम रख देता हूँ मैं कैप्स लॉक में, BSNL फाइबर, और एक लास्ट आइडेंटिफाई करने के लिए इसके पीछे मैं लगा देता हूँ 212, यही मैं आईडी दे दूंगा उधर भी 5 GHz वाले में भी। इंक्रिप्शन टाइप में WPA2PS के रख देते हैं और पासवर्ड रख देते हैं इसका BSNL@1234 5, ठीक है यही है, हम देख सकते हैं BSNL@1234 5 अप्लाई कर देते हैं। अब 5 GHz वाले की सेटिंग करते हैं और इसका SSID नेम चेंज कर देते हैं, ये लो सेम ही कर दिया, और पासवर्ड इसका रख देते हैं BSNL@1234 5, कॉपी करके मैं कर दिया इधर पेस्ट, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। दोनों का SSID मैंने सेम रखा है ताकि आपके मोबाइल पे जो दिखेगा BSNL फाइबर 212 स्लैश में दोनों आएगा, 2.4 GHz एंड 5 GHz, तो दोनों की सेटिंग हम कर चुके हैं, सेटिंग सेव हो रही है, सेटिंग सेव होने में टाइम ले रहा है ये, तो सेटिंग हो गई है। चलते हैं अब होम पेज पर, तो ये थी इसके इंटरनेट की सेटिंग। इंटरनेट पर जाकर वैन पे और वॉइस की और फाइबर की सेटिंग दोनों करनी है आपने। यूजर नेम पासवर्ड अच्छे से भरना है, एक लेटर भी इधर उधर हुआ तो आपका ये नहीं चलेगा। तो लॉग आउट हो जाते हैं और चलते हैं वापस अपने कंप्यूटर पर और देखते हैं कि वापस इसके मॉडम में कौन कौन सी लाइटों का चेंज आएगा। मॉडम की सेटिंग हो जाने के बाद आप ध्यान से देखिए कौन कौन सी लाइटों में क्या क्या चेंज आएगा। पॉन आपका स्टेबल हो जाएगा, अभी मैंने जो इसके पीछे पॉन लगाया है उसमें पावर आ नहीं रही है, लॉस चली जाएगी, मतलब कि लॉस आ रहा है मतलब कि केबल में कहीं गड़बड़ है। इंटरनेट वाली लाइट ऑन हो जाएगी, जिस लैन में आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होगा वो वाली ब्लिंक करेगी। फ़ोन अगर चल रहा है तो ये ब्लिंक करेगी, वाईफाई वाली भी ऑन ही रहेगी, और WPS तो तब काम करता जब आप इसे एक्सटेंड करना चाहोगे। तो ये था आपका फास्ट वे का मॉडम। मैं देखता हूँ कि इसमें वॉइस चलता है कि नहीं, एक बार कंफर्म हो करके मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है आपके लॉगिन पासवर्ड में तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूंगा। थैंक यू।